ये तो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी जहरीला है, इसमें किसे मैं लास्ट में छोड़ूंगा और इसे आपको भी पहचान करवाऊंगा कि इसकी पैटर्न को, और इसको अच्छे से आप लोग पहचान कीजिए। और ये जब भी स्नेक दिखे तो बहुत ही सतर्क और उसकी काफ़ी परेशान है, हमें लग रहा है कि ये हमें काट के ही मानेंगे। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? आए स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों। मैं से एक सेवर सुशील, जो कि आया हूँ पंडौना शहर से दोस्तों, 15-20 किलोमीटर दूरी पे कि एक सोनवल गांव है, और सोनवल चौराहे से मैं एक गांव है छोटा सा, वहीं आया हूँ। जो कि दिख रहा है इसने लमसम रात को ही दिखा अपने लोगों को इसने, और तभी से वेट किया इन भैया लोगों ने हमारा, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, क्योंकि एक जीव का जान बचाने की कोशिश किया और मुझे याद किया। तो दोस्तों मैं भी समय को ना देखते हुए आया हूँ, क्योंकि काफ़ी डेंजरस स्नेक है, इन लोगों का कहना है कि कोबरा स्नेक है, जो कि दिख भी रहा है उसका ट्रेन में छुपा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको भी कि कौन सा स्नेक है, कैसा है। तब तक के लिए दोस्त बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल स्नेक में खुशी, और प्लीज़ वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए लेकिन चलता हूँ स्नेक के पास, रूबरू कराता हूँ उस स्नेक से कि कौन सा स्नेक है और कैसा है, दिखाओ जरा। आ जाइए, है मैं पकड़ लिया। जैसा कि देख रहे हैं स्नेक फंसा हुआ था, हमें लग रहा है कि कुछ शिकार किया हुआ है, क्योंकि इसी को बचाने के लिए काफी समय से ये एक ही जगह पे था, एक ही स्थान पे था। देख रहे हैं है तो मीडियम साइज का, लेकिन काफी डेंजरस है, और अभी इसकी खूंखार को भी आप लोग सुनेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं है तो छोटा, लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है ये दोस्त। अगर गलती से कभी काट लेना तो ये हमारी नहीं, आपकी भी जान ले सकती, किसी की भी जान ले सकती। काफी जहरीला स्नेक है दोस्त, जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं, और अपने तरफ इसे गेवन बोलते हैं, और कई जगह फिनाल भी बोलते हैं, और साइंस में इसे नाजा नाजा बोलते हैं। तो इंडिया में चारों तरफ पाया जाने वाला ये स्नेक है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत स्नेक है, दिखने में ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन काफी डेंजरस है, ये काफी जहरीला स्नेक है। अगर गलती से कभी दिखे तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाए, बस इसके कांटे से कुछ होता नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जब भी दिखे तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये काटने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जब भी दिखे तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाए। अरे तो तभी तो ये जो निकला हुआ है उसे उगलने की कोशिश कर रहा है, तो उगल देगा तो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगा, इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि तो डब्बा लेते हैं, डब्बा ले आता।
डबल याद है तो जैसे कि बताया मैंने अभी कुछ ये निकला हुआ था उसे उबलने की कोशिश कर रहा है कुछ कभी उसे भी उबलती आई है और मैं बता दूं कि उसी का शिकार किया तो ये काफ़ी समय से अपने जगह को छोड़ नहीं रहा था उसी को बचाने के लिए अपनी जगह पे ही बने रहे थे क्योंकि जब भी ये लोग शिकार करते हैं तो कुछ समय लगता है उनको बचाने में क्योंकि अस्थाई ही रुक जाते हैं कहीं शिकार करके ही उबलने की कोशिश करते हैं छुप के अपने भोजन को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में दोस्त जब भी ये स्नेक दिखे तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाए क्योंकि काफ़ी जहरीला स्नेक ही है बस इसके काटने से कुछ होता नहीं है इंसान की मृत्यु हो जाती है सही हो समय से इलाज ना हुआ दोस्तों काफ़ी डेंजर स्नेक है और फिर देखे काफ़ी करने की गलती ना कर दो क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट व्यक्ति के लिए बस अन्यथा खतरा हो सकता है लेते हैं ये डब्बा भैया इसे पैक करता हूँ क्योंकि इसके साथ ज्यादा खेलना उचित नहीं है क्योंकि जब भी ये अग्रेसिव होता है तो दोस्त काटने की गलती करती है काटने की कोशिश करता है अगर गलती से कभी काट ले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ जाके अपनी इलाज करें दोस्त झाड़ फूक के चक्कर में करते ही ना रहे नहीं तो जान लगानी पड़ेगी इसलिए मैं इसे पैक करता हूँ मुर्गी जो है तो काटे रहे ना ऑक्सीजन चाहिए नहीं होकर चलिए दोस्त मैं इसे सेव और सुरक्षित पैक कर दिया दोस्त मैं बता दूं कि मैं अपने जान पे खेल के आप लोगों के लिए रियल वीडियो लेके आता हूं जिससे कि आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और इन प्यारे विद्वान जीवों का जान भी बच जाता है जैसे वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देख के कॉपी करने की गलती करते ही ना करें दोस्त नहीं तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी चलिए तब तक के लिए घुमा देना सबका हेलो दोस्त कैसे हैं आप लोग आइए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं स्नेक सेवर सुशील जो कि आया हूँ हरे भरे जंगलों में जो कि बहुत ही प्यारा सा जंगल है जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत जगह है ये बहुत ही बेहतरीन जगह है बहुत ही बेहतरीन जंगल है ये क्योंकि लाया हूँ एक नहीं लमसम 8-9 स्नेक लाया हूँ रिलीज करने के लिए जो तो तीन प्रकार के स्नेक हैं जो तीन किस्म के स्नेक हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं ये तो लाइन से सजा के रखा गया ये कोबरा स्नेक और इस बड़े वाले डब्बा में बहुत ही बिग साइज का कामन कराए थे और इस बोरे में है जो कि पैथन है दोस्त इंडियन पैथन है जिसे हम अजगर बोलते हैं तो दोस्त मैं कोशिश करता हूँ कि इन सबको इस प्यारे जंगलों में रिलीज करूँ जो कि यहाँ ये अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही मुश्किल से अपनी जान को जोखिम में डाल के इन सबों का रेस्क्यू किया हूँ मैं तो कोशिश करता हूँ कि इन सबों को सेव करूँ दोस्त क्योंकि चलिए मैं पहले इस पैथन को छोड़ता हूँ ये काफ़ी समय से परेशान है तो पहले इसको मैं निकालता हूँ तो जैसा कि देख रहे हैं ये बिग साइज का पैथन है जो कि काफ़ी डेंजरस है और अभी ये सहमा सा है और इसे लग रहा है कि मैं अभी खतरे में हूँ तो अभी ये इसको अंदाज़ा नहीं है कि मैं अभी जंगल में आ गया हूँ रिलीज होने के लिए अभी इसको पता चलेगा कि मैं रिलीज होने वाला हूँ मैं जीवन से आज़ाद होने वाला हूँ तो देखिए प्यारे प्यारे से इतने कि ये जो अपना शुद्ध जगह चुन लिया दोस्त ये निकल पड़ा अपने जगह के लिए दोस्त कितना प्यार से जा रहा है जो कि काफ़ी बिग साइज का था कम से कम 13-14 केजी का स्नेक था वो प्यार से चला गया वो दोस्त चलिए तो सिर्फ इस पहले इसको छोड़ता हूँ काफ़ी समय से ये परेशान है पर कोशिश करता हूँ कि इन्हें निकालूँ तो दोस्त जैसा कि देख रहे हैं ये कितने आक्रमण रूप में है और कितने खतरनाक है काफ़ी आक्रमण रूप में है अग्रेसिव है काफ़ी चलिए मैं इन्हें भी रिलीज़ करता हूँ ये भी अपने प्यारे से जगह को छोड़ लेंगे और ये चले जाएंगे अपने वातावरण में चलिए इन्हें भी रिलीज़ करता हूँ ये भी चले जाएंगे
देखिए कितने प्यार से जा रहे हैं ये लोग। तो चलिए दोस्त, ये काफ़ी परेशान है, हमें लग रहा है कि ये हमें काट के ही मानेंगे, तो इन्हें भी पहले छोड़ता हूँ। चलिए चलिए अभी निकलिए, अभी निकलिए, आपको इधर जाना है। जैसे कि देख रहे हैं कि फुंकार सुन रहे होंगे, इन्हें मैं अभी कुछ समय पहले रेस्क्यू करके ला रहा हूँ। कम से कम आधा घंटा हुआ दोस्त इन्हें रेस्क्यू करके ला। देखिए कितने आक्रमण और कितने अग्रेसिव मूड में है ये। चलिए इन्हें भी छोड़ दिया हूँ, अभी ये भी अपने जगह पे चले जाएंगे। दोस्त ये तो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी जहरीला, इसने किसे मैं लास्ट में छोड़ूंगा और इसे आपको भी पहचान करवाऊंगा कि इसकी पैटर्न को, और इसको अच्छे से आप लोग पहचान कीजिए, और ये जब भी स्नेक दिखे तो बहुत ही सतर्क और सावधान हो जाए। तो चलिए देख रहे हैं कैसे कितना अग्रेसिव है वो, बार बार काटने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन्हें भी छोड़ता हूँ, ये प्यारे से इसे देखिए चले जाएंगे अपनी जगह पर। चलिए वो भी चले गए, और दोस्त ये भी काफ़ी गुस्से में है, तो इन्हें भी मैं कोशिश करता हूँ कि निकालूँ, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ। तो दोस्त इन लोगों को खतरे में मैं नहीं डालता हूँ, अपनी जान खतरे में डाल के और इन लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितने अग्रेसिव हैं, वो बार बार निशाना लगा रहे हैं हमारे पे कि कैसे इन्हें घाई करूँ। दोस्त मैं इन्हें बचाने आया हूँ, बट ये हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। यही इंसानियत होती है दोस्त, आज के तौर पर यही चल रहा है कि आप जिसका भी हेल्प करना चाहेंगे वही आपका गलती से मौका मिलने पे काटने की कोशिश करेंगे और मारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये तो काफ़ी परेशान लग रहे थे, लेकिन अभी इनकी एक्टिविटी गायब हो गई है। तो चलिए दोस्त इन्हें भी छोड़ता हूँ, ये काफ़ी परेशान लग रहे हैं, ये भी चले जाएंगे अपने शुद्ध वातावरण में, शुद्ध जगह पे। आप तो यहीं खड़े रहिए, आपको जाना नहीं है दोस्त, क्योंकि आपने काफ़ी परेशान किया मुझे। चलिए इन्हें भी निकालता हूँ, इनकी भी बारी आ गई है। चलिए दोस्त इनका भी गुस्सा आप लोग देख रहे होंगे, कैसे ये फुंकार मारकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश करता हूँ इन्हें भी निकालूँ। देखिए कितने आक्रमण हैं ये, रुकिए रुकिए बाबा आपको जाना नहीं है, रुकिए। देखिए दोस्तों ये ब्लैक कोबरा और वो वाइट कोबरा है दोस्त, देख रहे होंगे आप लोग भी कि कितने अग्रेसिव हैं ये। अभी मैं इन्हें कल ही रेस्क्यू किया था, अभी काफ़ी गुस्से में है ये, देख रहे होंगे आप लोग कि कैसे फुंकार मार रहे हैं। तो इन्हें पता है कि मैं अभी छूटने वाला हूँ, मैं अभी आज़ाद होने वाला हूँ, फिर भी ये इतने गुस्से में है। तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हें भी छोड़ूँ, चलिए ये भी चले गए प्यार से अपने जगह पर। रुकिए रुकिए रुकिए, आपको नहीं जाना है, रुकिए, हेलो दोस्त रुकिए। चलिए अभी चले गए, काफ़ी नाराज थे क्योंकि इन्हें भी मैं आज़ाद कर दिया, चले गए अभी अपने जगह पे। चलिए ये तो बेबी कोबरा है दोस्त, काफ़ी परेशान है ये भी, और मैं कोशिश करता हूँ इन्हें भी रिलीज़ करूँ, जो कि अपना जीवन ये अच्छे से व्यतीत कर लेंगे यहाँ पे। काफ़ी प्यारा है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, काफ़ी छोटा स्नेक है, क्योंकि कल मैं इसे रिसीव किया था, देख रहे होंगे आप लोग भी। चलिए इसे भी इधर छोड़ता हूँ, और इसकी भी काफ़ी माहिर है दोस्ती। अभी देखिए यही होता है, खूंखार बच्चे का जानवर, खूंखार जानवर का बच्चा भी खूंखार ही होता है दोस्त। चलिए दिखाता हूँ इसको भी, देखिए ये छोटा है लेकिन है काफ़ी आक्रमण, देख रहे हैं आप लोग, कोबरा का बच्चा है ये। तो इसे मैं इसकी भी फन फैलाने की, देखिए देखिए कैसे फन फैला रहा है दोस्त। तो जब भी ये भी आक्रमण रूप में होता है तो ऐसे ही फन फैला के अट्रैक्टिव हो जाता है काटने के लिए। तो चलिए इसे भी मैं छोड़ता हूँ, ये भी अपनी मम्मी पापा के पास चले जाएंगे। चलिए वो भी चलेगा, तो लग रहा है कि अपने बच्चे के तलाश में ये आ रहे थे। चलिए इनका थोड़ा एक बार और कैमरा करिए, इनका एक बार और फोटो लीजिए, ये शायद फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहा है, काफ़ी परेशान है ये। तो चलिए दोस्त लास्ट में, ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है दोस्त, जिसे हम कॉमन करैत के नाम से जानते हैं दोस्त। ये कोबरा से भी खतरनाक होता है, जब भी ये स्नेक दिखे ना तो काफ़ी सतर्क और सावधान हो जाए, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है दोस्त। बस इसके काटने से कुछ होता नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है दोस्त। तो चलिए मैं इसे भी निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको, इसके पैटर्न को आप लोग पहचानिए और इसको अच्छे से पहचान कीजिए, जब भी दिखे ना
तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सतर्क हो जाइए दोस्त, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना डेंजरस है ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देख रहे हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है दोस्त, काटने इसके काटने से बस कुछ होता नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है दोस्त। देख रहे होंगे आप लोग भी काफ़ी परेशान है ये, अगर इसे मैं छोड़ूँ तो ये भागेगा। देख रहे होंगे इसकी लंबाई लमसम 3 से 4 फुट की है, इसकी मैक्सिमम लंबाई है दोस्त, और काफ़ी बिग है ये, अपने लास्ट एज पे चल रहा है। ये देख रहे होंगे ये कितना डेंजरस है और कितना खतरनाक है, इसकी पैटर्न को आप लोग पहचानिए अच्छे से। इसलिए मैं इसे रिलीज करता हूँ, ये देखिए कितने प्यार से भाग रहा है दोस्त, ये चला जाएगा अपने जगह पे। अगर तो चिल्लाएगा, इसके पैटर्न को आप लोग भी पहचानिए अच्छे से, पहचान कीजिए, और जब भी दिखे ना तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्त। अभी ये प्यार से भागने की कोशिश कर रहा है, तो चलिए मैं इसको इधर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा क्लीन जगह पे दोस्त पे छोड़ता हूँ। देखिए यही छोड़ता हूँ दोस्त, और इस वीडियो को देख के कॉपी करने की गलती करते ही नहीं आकर दोस्त। चलिए ये चला जाएगा अपने प्यारे से स्थान पे, और इस शुद्ध वातावरण में, शुद्ध प्रकृति में चला जाएगा दोस्त, जो कि यहाँ अपने जीवन को अच्छे से यहाँ व्यतीत कर लेंगे ये लोग। सारे इसमें जो भी हैं बहुत ही प्यार से अपना जीवन को यहाँ काटेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, जो कि ये बहुत ही हरा भरा जंगल है दोस्त। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत ही मिनिमम होता है दोस्तों। ऐसे में मैं सारे स्नेक को रिलीज़ कर दिया, और इस वीडियो को देख के दोस्त कॉपी करने की गलती करते ही ना कर दोस्त। बस काटने से इन सबों के कुछ होता नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैं बताया। तो दोस्त इस वीडियो को देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है स्नेक मन सुशी, और प्लीज़ दोस्त जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।